हेलो स्टूडेंट माय नेम इज ए सिंह और आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर चैप्टर है अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लैक्शन और आई होप कि आपने सभी लेक्चर अच्छे से देखे होंगे इस चैप्टर सारे को कवर किया होगा आज का जो अपना टॉपिक रहेगा पावर ऑफ लेंस के ऊपर आप बात करने वाले हैं और आज ही इस चैप्टर का दी एंड भी होने वाला है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दिया है अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने इस चीज को कैसे सीखा कितना ऑनेस्टी के साथ आपने सारी चीज़ों को कवर किया और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अगर जो बच्चे यहां पर इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो पावर ऑफ लेंस के ऊपर आप बात करने वाले हैं इससे पहले अपन ने न्यूमेरिकल किए हैं लास्ट लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल करके आए हैं पावर लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड अपने न्यूमेरिकल किए ठीक है पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है एक्चुअल में पावर इज द एबिलिटी एक लेंस की एबिलिटी होती है लाइट को कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज करने की ठीक है इस एबिलिटी को बोला जाता है पावर ऑफ लेंस ठीक है तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा पावर ऑफ लेंस क्या होता है द एबिलिटी ऑफ ए लेंस द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज लाइट रेज को कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी होती है उसी एबिलिटी को पावर बोला जाता है ठीक है या फिर आप एक डेफिनेशन और भी बोल सकते हो क्या द पावर ऑफ अ लेंस इज अ रेसी ऑफ फोकल लेंथ द पावर ऑफ अ लेंस इज़ रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ रेसिप्रोकल मतलब क्या बोलोगे आप रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ ठीक है आप इक्वल का साइन भी यहां पर रिमूव कर सकते हो ठीक है प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर आप रिमूव करके यहां पर इक्वल का साइन भी लगा दें तो P इज इक्वल टू क्या होता है प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू अदर ठीक है एंड फोकल लेंथ ऑलवेज इन मीटर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फोकल लेंथ ऑलवेज इन मीटर इस पॉइंट को मैं लिख भी रहा हूं फोकल लेंथ फोकल लेंथ आपने हमेशा क्या लेनी है ऑलवेज इन मीटर ऑलवेज इन मीटर आपने मीटर के अंदर हमेशा फोकल लेंथ को लेना है आपको सेंटीमीटर के अंदर गिवन हो ठीक है तो आपका फर्स्ट सेंटीमीटर में देखते ही आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है ठीक है हाँ जी राइट कर लीजिए फिर आते हैं नेक्स्ट हां जी तो अगर मैं इसके ऐसा यूनिट की बात करूं यहां पर पावर की तो पावर का जो एसआई यूनिट रहता है वो होता है डायोप्टर दस दा आई यूनिट ऑफ पावर एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है और डायोप्टर को रिप्रेजेंट है कैपिटल डी के साथ ठीक है और देखो यहां पर क्वेश्चन आ जाता है एक क्वेश्चन क्या आता है डिफाइन द पावर वन डायोप्टर ऑफ द लेंस वन डायोप्टर कब होगी किसी भी लेंस की पावर ठीक है तो वन डायोप्टर कब होगी आपको पता है वी नो दैट वी नो दैट पी इज इक्वल टू क्या होता है पी इज इक्वल टू वन बाय एफ ये होता है ठीक है और अगर वन डायोप्टर पावर कब होगी जब फोकल लेंथ कितनी होगी वन मीटर होगी ठीक है तो आप आंसर क्या लिखोगे वेन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज वन मीटर देन इट्स पावर इज वन डायोप्टर ठीक है क्या लिखोगे वेन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज वन डायप्टर सॉरी वन मीटर देन द पावर इज वन डायप्टर ठीक है अच्छा यहां से एक चीज और क्लियर होती है मैंने बोला ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रपोर्शनल होते हैं तो जब भी अपने को हाई पावर का देखो यहां पर जो भी टेलीस्कोप होते हैं ठीक है और माइक्रोस्कोप होते हैं उनके अंदर अपने को पावर ज़्यादा चाहिए होती है ठीक है तो पावर ज़्यादा के लिए जो वहाँ पर अपन लेंस यूज़ करेंगे उनकी फोकल लेंथ क्या होगी शॉर्ट फोकल लेंथ के हमेशा लेंस यूज़ किए जाते हैं क्योंकि अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या होगी ज़्यादा होगी ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम हो जाएगी इसलिए हमेशा जो माइक्रोस्कोप होते हैं या टेलीस्कोप होते हैं उनके अंदर अपने को हाई पावर का चाहिए लेंस तो वहाँ पर जो लेंस यूज़ किए जाते हैं वो शॉर्ट फोकल लेंथ के हमेशा यूज़ किए जाते हैं ठीक है अच्छा राइट कर लीजिए फिर आते हैं नेक्स्ट इसी के ऊपर अच्छा अब क्या किया जाता है कि आ, पता कैसे चलता है कि स्पेक्स के अंदर कौन सा लेंस यूज़ करना है कितनी पावर होगी उसकी ठीक है तो सारी कहानी डिपेंड करती होती है फोकल लेंथ के ऊपर ठीक है अगर फोकल लेंथ को आपने आ, आपको एक फोकल लेंथ दी हुई है पॉजिटिव फोकल लेंथ देखो मैंने अभी आपको क्नकेव और कॉन्वैक्स लेंसेज के बारे में सिखाया था कि क्नकेव लेंस की हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव होती है और कॉन्वैक्स की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है ठीक है अगर देखो फोकल लेंथ पी डिपेंड करता है फोकल लेंथ के ऊपर अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी इफ एफ इज नेगेटिव अगर फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव होगी तो पावर अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगी है ना देन पावर जो होगी लेंस की पावर इज ऑल्सो नेगेटिव और अगर पावर नेगेटिव होगी तो पूछा जाएगा कौन सा लेंस यूज हुआ स्पेक्स के अंदर तो अगर पावर नेगेटिव है पावर नेगेटिव तब होगी जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है किसकी कॉनकेव लेंस की समझ गए इस बात को देन कौनकेव लेंस यूज इन द स्पेक्स कौनकेव लेंस यूज इन द स ठीक है एक्चुअल में कंप्लीट नाम रहता है स्पेक्टेकल ठीक है अच्छा अब सेकंड पॉइंट देखो अब अगर आ, फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव होगी तो पावर भी क्या होगी पॉजिटिव और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है कॉन्वैक्स लेंस की तो स्पेक्स के अंदर कौन सा लेंस यूज होगा फिर और बेसिकली कन्वेक्स लेंस ही यूज होगा ठीक है तो आप ये पॉइंट याद रखना हमेशा क्योंकि सारी कहानी डिपेंड करती है एफ़ के ऊपर अगर एफ की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है देन पावर ऑफ लेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव और पावर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब देन कन्वेक्स लेंस देन कन्वेक्स लेंस यूज इन द स्पेक्स आप जाते हो ऑप्टिशियन के पास ठीक है ऑप्टेशन आपकी आई चेक करते हैं तो वो लिख देते हैं ऐसे लेफ्ट और राइट का कि जी आपका जो लेफ्ट है वो माइनस टू पॉइंट फाइव है और प्लस है माइनस वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट फाइव इसका मतलब क्या है कि जो आपके लेंस यूज होने वाले उसने नेगेटिव साइन दिया साथ में नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका स्पेक्स रेडी होगा उसके अंदर जो लेंस यूज होंगे वो कन्केव लेंस यूज होंगे इतनी पावर का कन्केव लेंस लगेगा और ये राइट right साइड में इतनी पावर का कन्केव लेंस लगेगा अगर वो ऐसे लिख देता प्लस पॉइंट फाइव डायऑक्टर तो प्लस पॉइंट फाइव डायऑक्टर का मतलब क्या हो गया कि स्पेक्स के अंदर जो लेंस यूज होगा वो कन्वैक्स लेंस का यूज हो कन्वैक्स लेंस यूज होगा और उसकी पावर क्या होगी जीरो पॉइंट फाइव डायऑक्टर ठीक है समझ गए इस बात को ठीक है राइट कर लीजिए अब अगर कई बार क्या होता है कंबिनेशन राइट कर लिया स्क्रीन ले लिया करो ठीक है कंबिनेशन ऑफ लेंस होते हैं क्लोज कंबिनेशन ऑफ लेंस तो हैडिंग बना लेना बेटे कंबिनेशन ऑफ लेंस साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाया करो कंबिनेशन ऑफ लेंस कंबिनेशन ऑफ लेंस के अंदर क्या होता है कि एक पावर एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज इस वे के अंदर दो लेंसेज का ये आपको क्या दे दिया कॉम्बिनेशन दे दिया ठीक है कॉम्बिनेशन एक कॉन्वैक्स लेंस और साथ में इसके कॉनकेव लेंस लगा दिया अब इन दोनों से अपने को एक लेंस की आउटपुट मिलेगी देखो डिपेंड करेगा किसकी एक आपको कॉन्वैक्स लेंस दी है कहते हैं कॉन्वैक्स लेंस की जो पावर है कॉन्वैक्स लेंस की जो पावर है वो है प्लस फाइव डायोप्टर ठीक है और जो कन्केव लेंस है कन्केव लेंस है उसकी जो पावर है वो है माइनस ट्वेल्व डायोप्टर, ठीक है और दोनों को क्या किया गया दोनों लेंसेज को कंबाइन किया गया बिल्कुल एक दूसरे क्लोज टू ईच अदर क्लोज टू ईच अदर ये जो केस रहते हैं ये क्लोज टू ईच अदर का रहता है ठीक है क्लोज टू ईच अदर इस केस के अंदर ना द टोटल पावर कितनी हो जाएगी ना द टोटल पावर ठीक है इसको आप पी वन बोल देते हैं इसको पी टू बोल देते हैं टोटल पावर पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू ठीक है तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वन की वैल्यू कितनी है प्लस फाइव पी टू की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस ट्वेल्व डायोप्टर तो ये कितने हो गया फाइव माइनस ट्वेल्व तो ये आ गया माइनस सेवन डायोप्टर अब माइनस सेवन का मतलब क्या बने हो कि जो पावर की वैल्यू नेगेटिव आई है अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इससे जो अपने को आगे लेंस मिला दोनों का कॉम्बिनेशन होने से जो ये लेंस बिहेव कर रहा है तो किस लेंस के आ, की तरह किस लेंस की तरह ये बिहेव करेगा ठीक है कि ये कन्वैक्स बनेगा या कुकेव बनेगा तो अपने पास इनकी जो टोटल पावर आई आपने बोला वो माइनस सेवन आई सॉरी माइनस सेवन का मतलब ये जो इनका कम्बिनेशन है ये एक्ट अ कन्केव लेंस ठीक है तो इनके जो ये रहेगी कम्बिनेशन माइनस सेवन तो ये कम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा एक्ट लाइक अ कंकेव लेंस क्योंकि पावर नेगेटिव आई है इनकी टोटल करने पे ठीक है और ऐसे अगर कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो उनकी आपको फोकल लेंथ निकालनी हो तो मैंने अभी बताया कि अगर कम्बिनेशन होते हैं तो पावर ऐसे ऐड होती है हमेशा पी वन प्लस पी टू तो फोकल लेंथ कैसे ऐड होगी पावर पी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वन बाय एफ पी इज इक्वल टू क्या होता है वन बाई एफ फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी आप बोलोगे फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ एफ वन सेकेंड लेंस की पी टू की वैल्यू देखो इसकी पी वन पी वन की वैल्यू कितनी होगी वन बाय एफ वन और पी टू की वैल्यू क्या होगी वन बाय एफ टू तो टोटल फोकल लेंथ वन बाय एफ इज इक्वल टू वन एफ वन प्लस वन बाय एफ टू आप इस वे के अंदर इनको फोकल लेंथ को एड कर सकते हो ठीक है अगर आपको कोई भी दो लेंस दिए गए हों ठीक है तो ध्यान रखना आपको वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या रहेगी कि अगर कॉन्वैक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करोगे और कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ को आपने क्या पुट करना है नेगेटिव पुट करना है ठीक है आपको जनरल क्वेश्चन के अंदर कहता है कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है फाइव मीटर और कॉन्वैक्स की फोकल लेंथ है थ्री मीटर तो उस केस में जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे ना तो वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान रखना कि क्वनकेव की फोकल लेंथ आपको नेगेटिव पुट करनी है और कॉनवेक्स की फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव पुट करनी है ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं ठीक है सेकेंड थिंग अगर आपको यही कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कहता है एक क्नकेव लेंस है और एक कॉनवेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और दोनों की जो फोकल लेंथ है वो सेम है दोनों की फोकल लेंथ क्या है सेम है मान लो एक की प्लस फाइव डायोप्टर है दोनों की फोकल लेंथ सेम है कॉनवेक्स की जो फोकल लेंथ है क्वैक्स की फोकल लेंथ है इसको आप एफ़ वन बोल देते हैं ये दिया हुआ प्लस फाइव डायोप्टर सॉरी फोकल लेंथ ऑलवेज इन मीटर फाइव मीटर है ठीक है और कन्वे क्वनकेव की जो फोकल लेंथ है F2 नाम दे देते हैं वो भी 5 मीटर ही दे, दे देते हैं जब दोनों की फोकल लेंथ क्या हो सेम हो तो उस केस में अपने पास फॉर्मला क्या फोकल लेंथ निकालने का 1 बाई एफ इज इक्वल टू वन बाय क्या और है भाई 1 बाई एफ वन प्लस वन बाय एफ टू तो वन बाई एफ इज इक्वल टू एफ वन की वैल्यू प्लस फाइव ठीक है प्लस एफ टू की वैल्यू माइनस फाइव तो ये अपने पास क्या आ जाएगा क्या हो जीरो होगी है ना फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ गई वन F की वैल्यू क्या आ गई जीरो आ गई और अगर वन बाय एफ की वैल्यू जीरो आ जाती है तो जीरो आने का मतलब क्या हो गया कि जीरो पॉइंट वन अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है फोकल लेंथ की तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन बाय जीरो और वन बाय जीरो क्या होता है इन्फिनिटी वन बाय जीरो क्या होता है इनफिनिटी होता है तो अगर फोकल लेंथ की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो देखो मैंने आपको बताया था पावर इज अ रेसिप प्रोकल ऑफ फोकल लेंथ अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि इस केस में पावर इज द रेसिप ऑफ फोकल लेंथ तो पावर क्या हो जाएगी इस केस में जीरो हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल कर दो वन बाई जीरो उल्टा कर दो जीरो बाई वन तो जीरो बाई वन क्या होगा जीरो होगा ठीक है तो पावर क्या हो जाएगी इस केस में जीरो हो जाते तो ध्यान रखना जब भी आप नोमेरिकल करो पावर से रिलेटेड ठीक है तो अगर आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ दो लेंसेज का और आपको बोलता है फोकल लेंथ निकालिए तो आप ध्यान रखना फोकल लेंथ पुट करते टाइम एक की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है एक की वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है ठीक है तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा तो थैंक यू सो मच अपना जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया आज आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो थैंक यू सो मच